पहले फूलों का ज़्यादातर इस्तेमाल किसी जगह की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसकी बाज़ार में मांग भी कम थी, इसलिए इसकी ज़्यादा खेती भी नहीं होती थी। लेकिन दिनों दिन इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए इन दिनों अब इसकी खेती व्यावसायिक उद्देश्य से की जाने लगी है। नतीजन अब किसान भी अपनी परंपरागत फसलों की खेती करने की जगह अब फूल और सजावटी पौधों की अनेक प्रकार की खेती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। फूलों की खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। वैसे तो इन फूलों की मांग पूरे साल भर बनी रहती है, लेकिन इन फूलों की मांग उस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है जब देश में कोई अवसर या त्यौहार होता है। आजकल इन फूलों का इस्तेमाल मंदिरों के साथ साथ शादी विवाह व अन्य कई अवसरों पर सजावट हेतु किया जा रहा है। इन्हीं फूलों में कुछ ऐसे भी फूल हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक उपचार के रूप में भी किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर इन फूलों का तेल निकालकर इसका इस्तेमाल इत्र एवं अन्य खुशबूदार उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। इन्हीं फूलों में से कुछ ऐसे भी फूल हैं जो आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने में काफ़ी मददगार भी हैं। वर्तमान समय में लोगों ने भी खेती करने और फूलों के इर्द गिर्द रहने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान भी इन फूलों की खेती करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में आप भी नर्सरियों से सुगंधित और सजावटी फूल ले जाकर अपने बगीचे या खेतों में लगाकर भारी मुनाफा कमा सकते हैं।